फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा गेमिंग मोड के बारे में। इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है और बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में भी फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आप पबजी खेलते हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए, और अगर आप कोई सभी गेम खेलते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि अल्ट्रा गेमिंग मोड बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है वीवो के सभी डिवाइस के अंदर। और ये अभी अपडेट के बाद आया है और जो नए डिवाइस हैं उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं जो अल्ट्रा गेमिंग मोड है इसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ने ही रिकमेंड किया था इस वीडियो को बनाने के लिए। कल मुझे एक कमेंट आया था, तो आज की वीडियो में इसी ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ इसका क्या यूज है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अल्ट्रा गेम मोड क्या है और इसका क्या यूज़ है बेसिकली वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्ट्रा गेमिंग मोड एक ऑप्शन है जो कि आपके फ़ोन में दिया जाता है गेम खेलने के लिए, और इसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी हाईएस्ट लेवल के गेम को खेलने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। एंड इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। एंड आप नीचे में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई साउंड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से अगर कोई आपके पास फ्रंट से चल के आता है तो आपको कुछ ऐसा साउंड सुनने को मिलेगा, और अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से चल के आता तो ऐसा, और राइट साइड से चल के आता तो ऐसा, रियर साइड से आएगा तो कुछ ऐसा साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरीके से इसमें कुछ दिया गया है इस गेम मोड के अंदर, जो कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खेलने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और यहाँ पे आते हैं, इस पर आप आइडेंटिफाई साउंड पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जैसे कोई बंदा गोली चलाता है तो वो आपको सुनाई देगा। फ्रंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको कोई फ्रंट से गोली मारेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड अगर रियर साइड से मारेगा तो ऐसे, और अगर लेफ्ट से मारता है तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा, देखिए, और राइट साइड से अगर कोई मारता है तो कुछ ऐसा सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगले ऑप्शंस को जो कि इसमें देखने को मिल जाता है गेम असिस्टेंट का। अगर इसमें आप जाते हैं तो यहाँ से आप पॉपअप जो ऊपर से पॉपअप ऐड आते हैं आप उसे यहाँ से इनेबल व डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि आपके हिसाब से इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐड आए तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं कि ऐड ना आए तो यहाँ से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड साइड बार, यहाँ से आप साइड बार को भी इनेबल व डिसेबल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसके बाद मैं बैक ले लेता हूँ। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिला है बैकग्राउंड कॉल, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड के कॉल को भी बंद कर सकते हैं। एंड ब्लॉक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, उससे भी आप अपने बैकग्राउंड में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे गेम खेलते वक्त वो आपको रिसीव नहीं होंगे अगर आप इसे ऑन कर देते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये स्पोर्ट मोड जो है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसे आप इनेबल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गेम खेलते तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है यहाँ से। और यहाँ सेकंड पे जो ऑप्शन आपको मिलता है क्लोजिंग बैकग्राउंड ऐप्स का, इसको आपको क्या करना है इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, जब आप अपनी फ़ोन में गेम खेलेंगे
तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और बैकग्राउंड के सभी नोटिफिकेशन जो हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा, वो खेलते वक्त आपके सामने नहीं आने वाले हैं। अगला फीचर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का। इसकी ऐप से आप इसे जब इनेबल कर देते हैं तो आप सीपीयू का और भी अच्छा परफॉर्मेंस पा जाएंगे, सीपीयू जीपीयू की ऐप से गेम को खेल पाएंगे। अगर आप हाईएस्ट लेवल पर गेम खेलते हैं तो आप इसे डिसेबल ही रखें, आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल यूजर की तरह अगर गेम खेलते हैं तो आप इसे इनेबल कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है टच स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन का। इस ऑप्शन का बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है कि जो भी इसका टच स्क्रीन है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे बहुत ही अच्छे से, यानी कि अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो गेम सेंटर जो एप्लीकेशन है वो उसके आपको कोई भी यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा इसका, और भी फालतू फालतू के जो ऑप्शंस हैं जो भी आपसे गेम खेलते वक्त बीच में आपको परेशान करने के लिए मिल जाते हैं उन सबको आप आसानी से हटा सकते हो अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो। ये सारी चीज़ें आपके को इन सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर नीचे वाले ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही आसानी से मैनेज होता रहेगा, वो आपको अपने फ़ोन को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी मस्त आपको देखने को मिलता है, आप उसे चाहो तो इनेबल रख सकते हो। अदरवाइज चलते हैं अपने अगले फीचर की तरफ, तो मैं आपको अगला फीचर देखने को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिजेक्ट का ऑप्शन। अगर आप इसे अलाउ कर देते हो तो आपके फ़ोन में जो भी कॉल्स वगैरह आते हैं वो सब यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। फ़ोन में जैसे ही कोई कॉल आता है वो सब कॉल को ऑटोमेटिक कट कर दिया जाएगा, तो आप गेम को बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है अगर आप इस फीचर को इनेबल कर देते हो तो। उसके बाद अगला फीचर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ डिसेबल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन। इसको अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फ़ोन के नेट से गेम को खेल सकते हो। एंड अगर आप अपने फ़ोन के वाईफाई से खेलना चाहते हो तो आप इसे डिसेबल ही रखो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है गेम काउंट डाउन का। आप इसे इनेबल रखेंगे तो आपको गेम खेलते वक्त बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको खेलने में मिल जाएगा। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इवेंट एक्सीडेंटल टचेस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो थ्री फिंगर से आप कैप्चर का जो आपको फंक्शन देखने को मिलता है उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो कैप्चर का जो फंक्शन है वो भी डिसेबल हो जाएगा, और इसे आप ऑफ ही रखें तो भी ज़्यादा अच्छा है। अगर कैप्चर की फंक्शन को आपको डिसेबल करना है तो उसे आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले। इसे अगर आप ऑन रखते हो तो आपका स्क्रीन जब बंद हो जाता है तो भी आपका गेम प्ले ही रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है परफॉर्म प्रीफीड का जो ऑप्शन मिलता है, इसे आप इनेबल ही रखिए तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गेम पिक्चर इन पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका यूज आप कर सकते हैं गेम खेलते वक्त। जैसे ही आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने थ्री फिंगर से अपने फ़ोन के नीचे की ओर स्वाइप करेंगे एंड ऊपर की ओर एक बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी द्वारा जो भी एप्लीकेशन को ऐड किया गया रहेगा, चाहे व्हाट्सएप हुआ फेसबुक हुआ, तो आप उसे वहाँ से एक छोटे से स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं एंड उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं उस मैसेज का। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड ये था इस अल्ट्रा गेमिंग मोड के अंदर जो भी फीचर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पबजी खेल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे जाना है, यहाँ अल्ट्रा गेमिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप ऑन कर लीजिए और डायरेक्टली आप वहाँ से भी खेल सकते हैं, मतलब अपने फ़ोन के सेटिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये ऑप्शन अल्ट्रा गेम मोड, आप यहाँ से भी आके इस पर क्लिक करके प्ले कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली भी आप होम स्क्रीन से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मल्टी टर्बो भी ऑन हो गया है
और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कॉल का जो ऑप्शन है वो मेरा इनेबल है, और यहाँ ब्लॉक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप इसे भी इनेबल रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, आपकी जो स्क्रीन है उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो सब ब्लॉक हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हो गया रिजेक्ट कॉल का, रिजेक्ट अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन में जो भी है कॉल वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, जो भी कॉल आएंगे। तो इसलिए हम ओके करते हैं फटाफट से और खेलते हैं अपना पबजी। यहाँ राइट साइड से क्लिक कर दिया हमने, और इसे भी हम कट करते हैं फटाफट से, और अभी हम प्ले करते हैं। तो अभी हमारा पबजी जो है वो शुरू हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी टाइम तक ही आपको खेल के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस फोन में पबजी चलता है एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता है, जो कि मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया था। जो ब्लॉक हो गया, तो मैं यहाँ पे कोई बाहर का जो भी हमारे साथ खेल रहे हैं जो चार मेंबर हैं उनकी वॉइस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि अभी मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देन उनकी जो आवाज़ है वो भी इस वीडियो में आ जाएगी, जिसकी वजह से मैंने उसको ऑफ कर दिया। अभी फ़िलहाल हम आपको खेल के दिखाने वाले हैं और बस अभी खेल के यहाँ जैसे हम उतरते हैं आपको खेल के दिखाएंगे, और ज़्यादा लंबा ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि पबजी खेलेंगे तो अब इसलिए बात है काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड थोड़ा सा शॉर्टकट वीडियो आपको बना कर दिखा देते हैं खेल के, और छोटा छोटा क्लिप हम ऐड करेंगे इसमें काट कर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम खेल के आपको दिखाएंगे तो। हम यहाँ पर उतरने वाले हैं, जैसे उतर जाते हैं फिर देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।